कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी, आर एम्पावर्ड टू शेयर इक्विटेबली इन द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये इनके इन प्रकारें मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे, साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 मुस्लिम रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो।